येस बैंक ने रिसेंटली एक टाई अप किया थर्ड पार्टी कंपनी के साथ जिसका नाम है जेसी फ्लावर्स। ये बेसिकली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो येस बैंक को हेल्प आउट करेगी अपना 48,000 करोड़ रुपए का लोन डिफॉल्ट रिकवर करने में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि येस बैंक की इतनी बुरी हालत क्यों हुई। ये कहानी शुरू होती है 2004 में जब राणा कपूर और इनके ब्रदर इन लॉ अशोक कपूर ने येस बैंक बनाया। फिर 2008 में मुंबई अटैक्स में अशोक कपूर की डेथ के बाद राणा कपूर को येस बैंक का सीईओ बनाया गया। फिर 2014 में आरबीआई के क्लीनअप ऑपरेशन में ये पता चला कि येस बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऐसी कंपनीज को जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, जैसे कि अनिल अंबानी ग्रुप, DHFL। इस रिपोर्ट के बाद धीरे धीरे येस बैंक पर लोगों का ट्रस्ट कम होना शुरू हुआ। लेकिन साल 2019 में येस बैंक का सबसे बड़ा डिपोजिटर यानी तिरुपति ट्रस्ट ने सडन 1300 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए अपनी येस बैंक अकाउंट से। उसके बाद कस्टमर्स की लाइन लग गई अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए। साल 2019 में ही राणा कपूर ने रिजाइन कर दिया और SBI ने 49% की शेयर होल्डिंग येस बैंक में परचेज की।